हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स सुना तो बहुत बार है बट इनकम टैक्स सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखेंगे या फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए इनकम टैक्स को समझने के लिए सबसे पहले कुछ इनकम टैक्स की टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, वो समझना ज़रूरी है। जैसे जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में फर्स्ट या सेकंड क्लास में, जो हमारी 11th क्लास की रहती है, उसमें टीचर हमें ड्राइंग्स के डेफिनेशन बताते हैं। तो जब तक हम 11th स्टैंडर्ड में नहीं जाते तो हमारे अकॉर्डिंग ड्राइंग्स मीन्स पेंटिंग होती है, और जैसे ही हम 11th स्टैंडर्ड में चले जाते हैं और वहाँ अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसका ड्राइंग की डेफिनेशन कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो जाती है। तो उसी तरीके से जैसे अकाउंट्स की अपनी टर्म्स होती हैं, उसी तरीके से इनकम टैक्स की भी कुछ टर्म्स हैं। तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को समझने के लिए उन बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि मैं उन बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स की जो मेजर एक टर्म है, डेट इज असेसी। असेसी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है असेसी वो पर्सन है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है असेसी वो पर्सन है जिसको इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू या तो कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी पे करनी है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी पे करनी है, या कोई अदर सम पे करना है। या तो सिंपल लैंग्वेज बोलूं, असेसी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे तो पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स एंड अ पर्सन who is liable to pay tax and any other sum under the Income Tax Act 1961। मुद्दा ये आता है, ये any other sum क्या है? Any other sum मे बी आपने टैक्स लेट पे किया है, तो अगर आप गवर्नमेंट का टैक्स लेट पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी गवर्नमेंट, हो सकता है आपको इंटरेस्ट पे करना हो, प्लस कोई पेनल्टी। तो अगर आप इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने के लिए भी लायबल है तो आप असेसी की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। असेसी की डेफिनेशन यहीं ख़त्म नहीं होती। असेसी की डेफिनेशन में डीम्ड असेसी भी इंक्लूड है, असेसी इंक्लूड डीम्ड असेसी। ये डीम्ड असेसी क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ डीम्ड असेसी क्या होता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए के सन है जिनका नाम है मिस्टर स्मॉल ए। स्मॉल ए ने कहीं से कोई अर्निंग कर ली है, लेट सपोज 1 लाख रुपीज अर्न कर लिए मिस्टर ए ने, या 3 लाख रुपीज अर्न कर लिए मिस्टर ए ने, सॉरी मिस्टर स्मॉल ए ने, सन ने, इन्होंने 1 लाख रुपीज या 3 लाख रुपीज अर्न कर लिए हैं। अब मिस्टर स्मॉल ए अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, इनकम टैक्स रिटर्न। मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। मिस्टर स्मॉल ए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट में आईटीआर बोलते हैं। रीजन बीइंग मिस्टर ए अभी माइनर है और उन्होंने 3 लाख रुपीज अर्न कर लिए हैं, तो अब स्मॉल ए इस इनकम पे टैक्स कैसे देंगे? क्योंकि अगर स्मॉल ए माइनर है तो
क्लियर कट है, उनके पास पैन कार्ड नहीं होगा। क्लियर कट है मिस्टर ए, स्मॉल ए के पास पैन कार्ड नहीं होगा। तो मिस्टर स्मॉल ए की जो रिटर्न है वो उनके फादर मिस्टर ए फाइल करेंगे, मिस्टर ए आई टीआर फाइल करेंगे। तो इस केस में मिस्टर ए को डीम्ड एसएससी कहा जाएगा क्योंकि वो अपने सन की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने सन की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो डीम्ड एसएससी वो पर्सन होता है जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे रिटर्न को फाइल करता है या किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। ये तो था मेरा एक एग्जांपल नंबर वन। मैं डीम्ड एसएससी में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर टू। मिस्टर एक्स है जो यूएसए में रहते हैं, इनकी इंडिया में कुछ अर्निंग्स हुई, इंडिया में इन्होंने कुछ अर्निंग्स करी, इंडिया में इनका कोई एजेंट है, ये अपने एजेंट के थ्रू अर्निंग करते हैं। मिस्टर एक्स कभी इंडिया नहीं आते, अपने एजेंट के थ्रू ही अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो अब इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी, क्योंकि मिस्टर एक्स जो यूएसए में रहते हैं वो कभी इंडिया तो आते नहीं। तो इस केस में गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी वो मिस्टर एक्स के जो एजेंट इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो इस केस में जो एजेंट है मिस्टर एक्स का, इसको बोला जाएगा डीम्ड असेसी। तो असेसी इंक्लूड्स ओरिजिनल पर्सन, डेट मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम। एक वो पर्सन जिसको टैक्स पे करना है और कोई अदर सम पे करना है, अदर सम इंक्लूड्स इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, उसको हम एसएससी कहेंगे। एसएससी में डीम्ड एसएससी भी काउंट होता है। डीम्ड एसएससी मैंने आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। एग्जांपल नंबर वन, जिस केस में मिस्टर स्मॉल है जो कि मिस्टर ए के सन है, उन्होंने कुछ अर्निंग्स करी थी बट वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, रीज़न भी पैन कार्ड नहीं था। तो मिस्टर स्मॉल ए की जो इनकम है मिस्टर ए जो उनके फादर थे वो फाइल करेंगे मिस्टर स्मॉल ए के बिहाफ पे। इस केस में मिस्टर ए को डीम्ड असेसी माना जाएगा। एग्जांपल नंबर टू, मिस्टर एक्स जो यूएसए में रहते हैं, इन्होंने इंडिया में अर्निंग करी थ्रू हिज एजेंट, अब गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है क्योंकि इनकम इंडिया में अर्न करी है मिस्टर एक्स ने, और मिस्टर एक्स तो कभी इंडिया आते ही नहीं। तो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करेगी वो मिस्टर एक्स के एजेंट से जो कि इंडिया में मौजूद है, क्योंकि इंडिया में मौजूद है, उससे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो इस केस में जो मिस्टर एक्स के एजेंट है उसको भी हम क्या बोलेंगे, डीम्ड असेसी। असेसी की डेफिनेशन यहीं ख़त्म नहीं होती है। असेसी में आता है असेसी इंक्लूड्स डीम्ड असेसी प्लस असेसी इन डिफॉल्ट आप लिख सकते हैं रेफर्स टू टीडीएस चैप्टर। मैं टीडीएस का चैप्टर आपको कराऊंगा तब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है। अभी मैं आपको प्राइमर फेस ही बता देता हूँ असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है। बेसिकली इंडिया में कॉन्सेप्ट है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, विदाउट डिडक्टिंग टैक्स। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी विदाउट डिडक्टिंग टैक्स। इनकम टैक्स के प्रोविजंस कहते हैं अगर कोई एम्प्लॉयर
अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टैक्स डिडक्ट करे बिना सैलरी पे कर दे तो एम्प्लॉयर असेसी इन डिफॉल्ट कहलाएगा, तो एम्प्लॉयर असेसी इन डिफॉल्ट कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ असेसी की डेफिनेशन क्लियर होगी। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, जिनका मिस हो गया है वो उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। असेसी मीन्स अ पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स एंड एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये अदर सम क्या होगा? ये अदर सम मे बी इंटरेस्ट, मे बी पेनल्टी हो सकता है। असेसी की डेफिनेशन यही कंप्लीट नहीं होती, असेसी इंक्लूड्स डीम्ड असेसी ऑल्सो। डीम्ड असेसी में हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक मिस्टर ए थे, इनके सन थे मिस्टर स्मॉल ए। स्मॉल ए ने कुछ अर्निंग्स करी, उस पर टैक्स स्मॉल ए नहीं दे पाए, वो इनकम मिस्टर ए ने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा करके मिस्टर स्मॉल ए की रिटर्न फाइल करी। यानी कि फादर ने सन के बिहाफ पे रिटर्न फाइल करी, उस पर टैक्स पे किया, तो इस केस में फादर लायबल थे टैक्स पे करने के लिए, तो फादर कहलाएंगे डीम्ड असेसी। दूसरा एग्जाम्पल था मिस्टर एक्स, जो कि यूएसए में रहते हैं, उनकी इंडिया में कुछ अर्निंग्स है थ्रू इज एजेंट, एजेंट के थ्रू कमा रहे हैं इंडिया के अंदर पैसा, तो इंडियन गवर्नमेंट यूएसए जाकर मिस्टर एक्स से तो पैसा टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकती, तो जिस एजेंट के थ्रू वो पैसा अर्न कर रहे हैं इंडिया में, गवर्नमेंट उससे टैक्स कलेक्ट करेगी मिस्टर एक्स की अर्निंग्स पे। तो ये एजेंट जो इंडिया के अंदर मौजूद है, इसको बोला जाएगा डीम्ड असेसी। ये बंदा टैक्स पे करेगा मिस्टर एक्स के बिहाफ पे इन इंडिया। एंड असेसी ऑल्सो इंक्लूड्स असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट का सिंपल लैंग्वेज लेमैन के लैंग्वेज में समझ लीजिए, अगर आपने इनकम टैक्स की कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की वायलेशन करी है, अगर आपने इनकम टैक्स के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की वायलेशन करी है, लाइक टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, बिना टीडीएस डिडक्ट करे आपने पेमेंट दे दी है, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन हैं, टीडीएस के चैप्टर में हम डिटेल से इसको करेंगे। तो आई होप असेसी क्या होता है क्लियर होगा। अब असेसी की डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ है पर्सन। असेसी की डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ है पर्सन। अब इनकम टैक्स में इसमें भी डिटेल में है, पर्सन में कौन कौन लोग आएंगे, पर्सन की डेफिनेशन क्या है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पर्सन की डेफिनेशन की तरफ। आई होप सबकी नोटिंग हो गई होगी। पर्सन की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। पर्सन इंक्लूड्स फॉलोइंग्स। पर्सन की डेफिनेशन में टोटल 7 लोग आते हैं। हमने असेसी की डेफिनेशन पढ़ी, असेसी की डेफिनेशन में पर्सन वर्ड था, अब पर्सन को डिफाइन कर रहे हैं कि पर्सन में कौन कौन लोग आएंगे। पर्सन की डेफिनेशन में टोटल 7 लोग आते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ये क्या होता है? इंडिविजुअल मींस लाइक राम, मोहन, सोहन, एक आम आदमी इंडिविजुअल की डेफिनेशन में कवर होगा। पर्सन इंक्लूड्स HUF फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट, पूरा फैमिली बिजनेस है, पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस कर रही है, तो उसको काउंट किया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में HUF। पर्सन में तीसरा नंबर आता है कंपनी। लाइक टाटा लिमिटेड, बाटा लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। कंपनी फॉरेन भी हो सकती है और कंपनी डोमेस्टिक भी हो सकती है।
कंपनी फॉरेन भी हो सकती है और कंपनी डोमेस्टिक भी हो सकती है। कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड भी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो वो कवर होगी पर्सन की डेफिनेशन में। चौथा नंबर आता है पार्टनरशिप फर्म। नंबर वन, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लाइक राम, मोहन, सोहन, कोई भी एक सिंगल पर्सन, कपिल शर्मा, भी एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की डेफिनेशन में कवर होंगे। एच यू एफ, जिनका फैमिली बिजनेस होता है, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस में लगी हुई है। देन कंपनी, कंपनी डोमेस्टिक हो सकती है, कंपनी फॉरेन कंपनी हो सकती है, मैंने एग्जांपल आपको बताया टाटा लिमिटेड, बाटा लिमिटेड, रिलायंस, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो। पार्टनरशिप फर्म, ये भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, वट एवर द स्टेटस। तो नंबर वन इंडिविजुअल, नंबर टू एच यू एफ, नंबर थ्री कंपनी, नंबर फोर पार्टनरशिप फर्म, नंबर फाइव एओपी, बीओआई, एओपी, बीओआई। एओपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई की फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एओपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई की फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब ये एओपी और बीओआई क्या होता है, फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई स्टैंड फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कई लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं, कुछ लोग मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। तो ये सोसाइटीज़ क्या कहलाएंगी, ये सोसाइटी का स्टेटस क्या होगा, ये ना तो इंडिविजुअल है क्योंकि कुछ लोग मिलकर के बनाते हैं, ना तो इंडिविजुअल है, ना एच यू एफ है क्योंकि सब लोग सेम फैमिली से नहीं आते, अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं, ना ही कंपनी है क्योंकि कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है, ना ही पार्टनरशिप फॉर्म है। तो जो लोग ये कलेक्शन हुआ है लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो इनको हम स्टेटस देंगे AOP, Association of Person. Association of Person, I think क्लियर होगा। Body of Individual क्या होता है, लाइक आपने एग्जाम्पल सुना होगा RWA, Resident Welfare Association, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी की को रन करने के लिए कुछ लोगों की एक कमेटी बन जाती है सोसाइटी के अंदर, या एक पर्टिकुलर मार्केट की एक यूनियन बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एओपी और बीओआई में डिफरेंस क्या है, एओपी वर्सेस बीओआई। बीओआई के अंदर जो मेंबर होंगे, बीओआई के जो मेंबर्स होंगे वो ओनली ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कौन से, नेचुरल। बीओआई के जो मेंबर्स होंगे ओनली नेचुरल ह्यूमन बीइंग, इट मींस ए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, अगर ये मिलकर के एक ग्रुप बना ले तो मैं उस ग्रुप को नाम के दे दूंगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और एओपी में क्या खासियत है, एओपी की जो मेंबर होगा ना, जरूरी नहीं है इंडिविजुअल ही हो, ह्यूमन बीइंग ही हो, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर एओपी की मेंबर्स मस्ट बी एन इंडिविजुअल, मेंबर में भी कंपनी, एओपी की मेंबर कंपनी भी हो सकती है, कंपनी
फर्म भी हो सकती है। तो BOI में जो मेंबर्स होंगे वो ओनली इंडिविजुअल्स होंगे, ए बी सी डी, राम श्याम मोहन सोहन, ये BOI के मेंबर्स हो सकते हैं। बट AOP में मेंबर्स राम, मोहन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा एंड सन्स, कोई भी मेंबर हो सकता है। तो AOP BOI में कभी कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AOP एंड BOI। तो AOP स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI स्टैंड फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। BOI में ओनली इंडिविजुअल पर्सन ही मेंबर बन सकते हैं, जबकि AOP में इस तरह की कोई कंपल्शन नहीं है। कॉर्पोरेट्स भी, फर्म्स भी मेंबर बन सकती है। नोटिंग के लिए 2 मिनट हैं, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो हमने पहला पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल 1, HUF 2, कंपनी 3, पार्टनरशिप फर्म 4, AOP BOI 5, टोटल 7 पर्सन है, टोटल 7 पर्सन्स हैं, 5 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वन इज लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, ये तो जाना पहचाना नाम है। इसका पहला एग्जांपल है म्यूनिसिपैलिटी, लाइक NDMC, MCD, मुंबई में BMC, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटीज के ये एग्जांपल्स हैं। म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सबसे एक्सेप्शनल यूनिक पर्सन है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन? को अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं, एक नॉर्मल लैंग्वेज बोलूं, तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो किसी एक्ट के थ्रू बने हो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लाइक LIC, यूनिवर्सिटी में आप एग्जांपल ले सकते हो DU का, BHU, LIC को सब जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में LIC, लाइक यूनिवर्सिटीज। तो पर्सन की डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी। पर्सन इंक्लूड्स टोटल 7 पर्सन, मैं समरी कर रहा हूँ एक बार। इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI, एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन।
तक हम इनकम टैक्स की दो टर्म समझ चुके हैं, असेसी एंड पर्सन. अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज प्रीवियस ईयर. ये प्रीवियस ईयर वो प्रीवियस ईयर नहीं है जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं. पहले प्रीवियस ईयर समझना पड़ेगा. प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाऊंगा, देन डेफिनेशन लिखवाऊंगा. एग्जाम्पल सुनिएगा. फर्स्ट अप्रैल 2018 को अभी नया ईयर स्टार्ट हुआ है, ये एंड होगा 31 मार्च 2019 में. इस पीरियड में जो भी अर्निंग्स होंगी, उसका मैं एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पता लगेगा. ये मैं कह सकता हूँ, मैं एस्टिमेट कर पाऊंगा इनकम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेट पे जब ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा. और इस पे टैक्स दे पाऊंगा नेक्स्ट ईयर में. इस पीरियड में मैं इस पे टैक्स दे पाऊंगा क्योंकि मेरे को अपनी इनकम पता होगी. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में इनकम अर्न की जाती है, या इनकम अर्न होती है जिस ईयर में, उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर कह सकते हैं. और जिस ईयर में हमें टैक्स पे करना होता है या टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होती है, उसी ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर. दोबारा बोल रहा हूँ, जिस ईयर में इनकम अर्न करी उस ईयर को बोला गया प्रीवियस ईयर. जिस ईयर में टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट हुई उस ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर. लॉजिकल भी है. जिस ईयर में हम इनकम अर्न कर रहे हैं हम उस ईयर में ही टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि हमको अपनी अर्निंग्स ही नहीं पता. हमें अर्निंग्स पता लगेंगी जब हमारा ईयर एक्सपायर हो जाएगा. तो हमारा ये ईयर जो 18 से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2019 को ख़त्म हुआ, इस पर्टिकुलर डेट पे आकर के हमें पता होगा हमने पूरे साल में कितनी अर्निंग करी है. उसके बाद हम इस पर टैक्स दे पाएंगे. और 1 अप्रैल 2019 से नया ईयर स्टार्ट हो जाता है तो इस ईयर को बोला जाएगा असेसमेंट ईयर. ये असेसमेंट ईयर है. असेसमेंट ईयर मीन्स ईयर जिसमें हमें टैक्स पे करना है या हमारी टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होगी. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रीवियस ईयर से जो भी नेक्स्ट ईयर होगा वो असेसमेंट ईयर होगा. प्रीवियस ईयर से जो भी नेक्स्ट ईयर होगा वो असेसमेंट ईयर होगा. लाइक यहाँ पर इस केस में प्रीवियस ईयर 18-19 है तो 18-19 के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा 19-20. वो तो प्रीवियस ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर इज 19-20. अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल है. प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 3 कहता है प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर. प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. ये थोड़ा उल्टा कहता है. ये कहता है असेसमेंट ईयर के जस्ट पीछे, असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछला साल जो होगा, असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछला साल जो होगा वो प्रीवियस ईयर होगा. ये क्या कहता है? ये कहता है मान लो ये आपका असेसमेंट ईयर है, इससे अगर आप पीछे देखो जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग तो जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वही असेसमेंट ईयर होगा. होप समझ में आना. अब मुद्दा क्या आता है कि अगर किसी ने न्यूली स्टार्ट किया बिजनेस
न्यूली स्टार्ट बिजनेस है तो क्या होगा, उसका प्रीवियस ईयर कहाँ से शुरू होगा, उसका प्रीवियस ईयर कहाँ से शुरू होगा, न्यूली स्टार्ट बिजनेस है तो उस केस में प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जांपल देखते हैं। 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019। मान लो एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 दिसंबर 2018 से, तो इसका प्रीवियस ईयर यहाँ से स्टार्ट होगा, जिस दिन उसने फर्स्ट डे बिजनेस स्टार्ट किया, उसका प्रीवियस ईयर यहाँ से स्टार्ट होगा जिस दिन उसने फर्स्ट डे बिजनेस स्टार्ट किया है, और एंड होगा 31 मार्च 2019। यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के केस में। तो सिंपल फंडा है, पहले आप इनकम अर्न करो, देन नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स देना। पहले आप इनकम अर्न करो, फिर नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स देना। जिस ईयर में इनकम अर्न करी उस ईयर को बोला जाएगा प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप उस पर टैक्स दोगे उसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। डेफिनेशन एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। और न्यूली सेटअप के केस में, न्यूली सेटअप के केस में क्या होगा, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन, बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जनरल रूल तो ये कहता है कि पहले आप प्रीवियस ईयर में इनकम को अर्न करो और नेक्स्ट ईयर में टैक्स दो। यहाँ पर अर्निंग करो और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो। बट इस रूल की एक एक्सेप्शन है, एक नहीं 5 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मींस जनरल रूल नहीं लगेगा। अब आपको टैक्स सेम ईयर में देना होगा, सेम ईयर में टैक्स पे करना होगा। सेम ईयर में टैक्स पे करना होगा मीन्स द ईयर इन विच असेसी ऑन द इनकम। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, और केसेस पढ़ के भी आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया कि इन 5 केसेस में आपको टैक्स सेम ईयर में देना है। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो किस में इंगेज है, शिपिंग बिजनेस में। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो शिपिंग बिजनेस में इंगेज है, उससे गवर्नमेंट सेम ईयर में टैक्स लेती है, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करती। रीजन, ये पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा वापस अपनी कंट्री जाए और वापस ना आए। ये पॉसिबिलिटी है शिपिंग बिजनेस वाले केस में कि ये नॉन रेजिडेंट अपनी कंट्री जाए और वापस ना आए, और मे बी वापस आए तो नाम चेंज करके आए, शिप चेंज करके आए टैक्स इवेज करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने कहा कि अगर नॉन रेजिडेंट का केस है और नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है तो आपको सेम ईयर में टैक्स देना होगा, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। दूसरा केस है, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, पर्सन लीविंग इंडिया। क्वाइट ऑब्वियस, अगर पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो फिर उसके टैक्स के लिए नेक्स्ट ईयर तक तो वेट करेंगे नहीं। अब ये इंडिया छोड़ के जा रहा है, चाहे परमानेंटली जा रहा हो चाहे लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा हो, डजेंट मैटर, आपको सेम ईयर में टैक्स दे के जाना पड़ेगा। आपको सेम ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला केस है नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। केस नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पर्सन लिविंग इंडिया, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, परमानेंटली जा रहा हो चाहे लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा हो, डजेंट मैटर,
आपको सेम ईयर में टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करेगी। तीसरा, जनरली जो AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI जो होती है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए बनती है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनती है। जब वो इवेंट पूरी हो जाती है तो ये डिसॉल्व हो जाती है। तो इस केस में भी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर AOP BOI किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी है और वो इवेंट पूरी हो गई है और वो इवेंट पूरी हो गई है तो आपको टैक्स सेम ईयर में देना है, हम नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाएंगे अपने अपने रास्ते, सारे मेंबर्स निकल जाएंगे, गवर्नमेंट कहाँ ढूंढेगी। तो ऐसे केसेस में आपको टैक्स सेम ईयर में देना है, नेक्स्ट ईयर का हम वेट नहीं करेंगे। एग्जांपल मैं इसका बता देता हूँ आपको, मैंने 10th अप्रैल 2018 में एक BOI बनाई जिसमें 5 मेंबर्स थे, पर्पस था सोशल वेलफेयर, थोड़ा बहुत लोगों से डोनेशन आया, वो सोशल वेलफेयर जो था पर्टिकुलरली 2 months 6 months के लिए था, ज़्यादा लंबी पीरियड के लिए नहीं था। लोगों से डोनेशन आया, हमने 2 months 6 months में काम पूरा किया, उसके बाद हम 5 मेंबर अलग अलग हो गए। तो गवर्नमेंट कहती है आप तो अब अलग हो गए हो, लेट सपोज हम 10th दिसंबर को अलग हो गए, 10th दिसंबर 2018 को, टैक्स कौन देगा? नेक्स्ट ईयर में कहाँ ढूंढेंगे हम सब मेंबर्स को, सारे मेंबर्स घूम रहे होंगे, कोई इंडिया में कोई इंडिया से बाहर। तो ऐसे केसेस में आपको सेम ईयर में ही टैक्स दे के जाना पड़ेगा, AOP BOI का केस। चौथा पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे पढ़ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट लिखते ही आप समझ जाएंगे। अगर आपने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, पब्लिक प्रोफेशन, अगर आपने अपना बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू बिजनेस पब्लिक प्रोफेशन ड्यूरिंग द ईयर, आपने बीच में अपना बिजनेस बंद कर दिया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सेम ईयर में, नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट आपका वेट नहीं करेगी। लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को ITO, वैसे इसको असेसिंग ऑफिसर बोला जाता है, ITO नहीं बोला जाता, बट अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में है तो इसलिए मैं ITO वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको लगता है कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, टैक्स की इवेजन करने के लिए, तो वो उस केस में आपसे टैक्स सेम ईयर में ले लेगा, आप नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करेगा। जनरल रूल कहता है आप पहले इनकम अर्न करो फिर नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स पे करना, जनरल रूल कहता है पहले आप इनकम अर्न करो फिर नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स पे करना। उसकी ये 5 एक्सेप्शन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार थियोरेटिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ लेता है कि इनकम जो सेम ईयर में टैक्सेबल होती है उसको लिस्ट आउट करो। तो पहली इनकम, अगर वो केसेस कौन से हैं, पहला केस नॉन रेजिडेंट का अगर शिपिंग बिजनेस है, दूसरा केस एक ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ करके जा रहा है, चाहे परमानेंटली जा रहा हो चाहे लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा हो, तीसरा केस AOP BOI जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी थी और वो इवेंट अब कंप्लीट हो गई है, इवेंट कंप्लीटेड, तो ऐसे AOP BOI का नेक्स्ट ईयर तक वेट नहीं करेंगे। चौथा, किसी बंदे ने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया ड्यूरिंग द ईयर तो आपको सेम ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। और लास्ट है कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की इवेजन करने के लिए, और इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं, असेसिंग ऑफिसर्स हैं, उनको लगता है कि आप टैक्स इवेज कर रहे हो तो आपसे सेम ईयर में टैक्स ले लेंगे। आई होप प्रीवियस ईयर क्लियर हो गया। अब मैं असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन भी इसी पेज पे नोट करा देता हूँ। असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर
इज टू बी असिस्ट बाहर की कंट्रीज में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर भी बोला जाता है, आपको एक यूनिक वर्ड सीखने को मिल गया। फॉरेन कंट्रीज में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर भी बोला जाता है, यानी कि जिस ईयर में आप टैक्स पे कर रहे हो उस ईयर को वो लोग टैक्स ईयर बोलते हैं। इंडिया में उस ईयर को असेसमेंट ईयर बोला जाता है, नोटिंग कर सकते हो।